सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोतर सत श्री श्री श्रीमात भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज का चरण कमल रे अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम कर जनावि। तत्पश्चात मध्य शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोतर सत श्री श्री श्रीमात भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज का चरण सरोजरे श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करुअछि। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई भौणी समस्त को मु यथाजोग्य प्रणाम करुछि। तेणु आम मैंने श्रवण करुथिले एकादशी महिमा। यही एकादशी को एकादशी आउ गोटे नाम होछि कल्पवृक्ष व्रत। कल्पवृक्ष व्रत अर्थ कौन है? कल्पवृक्ष अर्थ होछि जो कल्पवृक्ष तले बसिकिरी आपण जहाँ मागिबे जहाँ चिंता करिबे आपणकर समस्त इच्छा पूर्ण हो। जे भली भावरे जदि आपण माने सोमवार करंती मंगलवार ओषा करंती बुधवार गुरुवार ओषा करंती तांकर केवल गोटिए फल आपण पाइबे। किंतु एकादशी व्रत करिले प्रत्येक एकादशी गोटे अलग अलग नाम। गोटे एकादशी नाम होछि पुत्रदा। पुत्रदा माने जो मानकर संतान संतति हुए नहीं यदि से माने सही पुत्रदा एकादशी करती तांको घरे पुत्र मिलिबो। तेणु शास्त्र कहते जितेबले श्री नंद जशोदा संतान नथिला से समस्त प्रकार ओषा व्रत करते किंतु जितेबले सही एकादशी पुत्रदा एकादशी व्रत आसिले नंद जशोदा चिंता करिले आम माने तो एपर्यंत समस्त व्रत करिचु किंतु एपर्यंत आम पुत्रदा एकादशी व्रत करिनु। चलो आज आम पुत्रदा एकादशी व्रत करवा। जितने से पुत्रदा एकादशी व्रत जो दिन करे से राति पहांतारे नंद जशोदा स्वप्न देखिले। कौन स्वप्न देखिले? बोले श्याम चंचल चारु दीर्घ नयन बाळ स्तवांक स्थले पयोधार स्फुट मसौ क्रीडांगमय लोक्यते। प्राय पहांतारे जे स्वप्नटी से प्राय सत्य हुए तांकर घूम भांगिगला। जशोदा नंद बाबा को कहले मु गोटे सुंदर स्वप्न देखी। से समय नंद बाबा कहले मुझे गोटे सुंदर स्वप्न देखी। बोले तू कह तापर मु कहबी। माँ जशोदा कहले मुझे देखली गोटे सुंदर गोटे बालक श्याम रंगर मोर पछरे पछरे आसिकी पणत को टाणी कहते माँ मत कोल नहीं मत क्षीर पियां मत क्षीर पियां। नंद बाबा कहले मु कौन स्वप्न देखली? बोले कहतु मु मत देखली आपण कोल गोटे सुंदर श्याम रंगर बालक आपण क्षीर पिवंट। क्षीर पीवा समय दुई धार दे क्षीर बोहूर जे कुर्ताटा थिला जामाटा से भिजि जाऊँगी। मत स्वप्न मन है मत मन है सतरे सतरे गोटे बालक तुम कोल से राति माँ जशोदा गर्भवती हेले कृष्ण जन्म है। ये हूँ पुत्रदा एकादशी फल। गोटे एकादशी नाम हूँ मुक्षदा। मुक्षदा माने से एकादशी व्रत करे जीव माने जन्म मृत्यु दुख कष्ट चिरकाल मुक्त होकरी महाप्रभु चरण को प्राप्त करती। तेणु ता ना हूँ मुक्षदा एकादशी। आउ गोटे एकादशी नाम हूँ पापमोचनी। पापमोचनी अर्थ कौन? आम मैंने जीवन में कहीं एत दुख कष्ट भोग करुचु कारण है आम मान प्रारब्ध कर्म अनुजाए पूर्व जन्मर पापर फल आम मैने यही दुख कष्ट भोग करुचु। किंतु से ही एकादशीटा व्रत करे आपणकर जीवन रे समस्त पाप नष्ट हो। तेणु ता ना हूँ पाप मोचनी। आउ गोटे एकादशी नाम हूँ इंदिरा। इंदिरा माने लक्ष्मी। जो एकादशी व्रत करे आपण घरे बहुत लक्ष्मी माँ लक्ष्मी कृपा हाब घरे बहुत टंका पैसा आपण आसो। तेणु ता ना हूँ इंदिरा। आउ गोटे एकादशी नाम हूँ अर्णदा। अर्णदा माने जो मानकर घरे अन्न आदि नहीं से एकादशी व्रत करे घर बहुत शस्य है बहुत अन्न शस्य आसो। तेणु ता ना हूँ अर्णदा एकादशी। गोटे एकादशी नाम हूँ विजया। विजया अर्थ कौन? जे एकादशी करे समस्त
ସମସ୍ତ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଜୟ ହେବ, ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ଜୟ ଜୟକାର ଦେବେ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏକାଦଶୀର ଫଳ ହେଉଛି ଅଲଗା ଅଲଗା ଫଳ, ତେଣୁ ତା ନାଁ ହେଉଛି କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ବ୍ରତ। ମାନେ ସବୁକିଛି ପାଇବେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ରଖିବେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତଟି ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି, ଆରେ ଇଏ ବ୍ରତ ଫ୍ରତ ରଖିଲେ କ'ଣ ହେବ, କିଛି ଫଳ ନାହିଁ, କ'ଣ ଏକାଦଶୀ ଏକାଦଶୀ କ'ଣ ବୋଲେ, ନା ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ କରିଲେ କାହିଁକି ଆମର ଋଷି ମୁନିମାନେ ଏଇ ବ୍ରତଟା ବିଧାନଟା କାହିଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ୟା ଭିତରେ କିଛି ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲ କିଛି ସାଇନ୍ସ ୟା ଭିତରେ ଅଛି। କାହିଁକି ନା ଆମର ଯେତେ ଋଷି ମୁନିମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ନଥିଲେ, ସେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ଏବେକାର ଯିଏ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ, ଗୋଟେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଆକରି ଗୋଟେ ଫିଲୋସଫି କହିଲେ, କିଛି ଦିନ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଆସିକରି ତା'ର ଫିଲୋସଫିଟାକୁ କାଟିଦେଲେ, ପରେ ତୃତୀୟ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଆସିକରି ତାଙ୍କର ଫିଲୋସଫି କାଟିଦେଲେ। ତେଣୁ ଦେଖିଥିବେ ମଝିରେ ମଝିରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ବଦଳେ, ବୋଲେ କାହିଁକି ବଦଳେ, ବୋଲେ ଗୋଟେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଆସି ତା କଥାକୁ ପୁରା କାଟିଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କେବେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଆମର ଭଗବତ ଗୀତାର କୌଣସି ଶ୍ଳୋକ କେବେ କଟା ହେଇଛି, ଆମର ରାମାୟଣର ଗୋଟେ ଶ୍ଳୋକ କେବେ କାଟିଛନ୍ତି କେହି, କେହି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତର କୌଣସି ଶ୍ଳୋକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଟା ହେଇଛି, ଆମର ବେଦର କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରକୁ କେବେ ହେଲେ କେହି କାଟିଛନ୍ତି କେବେ ହେଲେ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ବୋଲେ କାହିଁ କାଟିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ହେଲା ଆମର ଯିଏ ମହାପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମା କହୁଛନ୍ତି ବୋଲେ, ପ୍ରେମାଞ୍ଜନ ଛୁରିତ ଭକ୍ତି ବିଲୋଚନେନ ସନ୍ତଃ ସଦୈବ ହୃଦୟସୋ ବିଲୋକୟନ୍ତଂ ଜମ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦରଂ ମଚିନ୍ତ ଗୁଣ ସ୍ୱରୂପଂ ଗୋବିନ୍ଦଂ ମାଦି ପୁରୁଷଂ ତମହଂ ଭଜାମି। ତେଣୁ ଋଷିମାନେ ମାନେ ସାଧନ ଭଜନ କରିକିରି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଉଛି ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ଅପ୍ରାକୃତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଲାଭ ହେଉଛି, ସେଇ ଅପ୍ରାକୃତ ଦିବ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଖିରେ ପ୍ରେମ ରୂପୀ କଜଳ ଲଗାନ୍ତି, ସେଇ ଚକ୍ଷୁ ଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଲୀଳାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକିରି ସେମାନେ ଲେଖନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଲେଖନଟି କୌଣସି କପୋଳ କଳ୍ପନାଯୁକ୍ତ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଋଷିମୁନିମାନେ ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯେ ଏକାଦଶୀ କଥା କହିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ୟା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସାଇନ୍ସ ଅଛି। ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଏକାଦଶୀ ଭିତରେ କ'ଣ ସାଇନ୍ସ, ଆମେ ଆଜି ଏ ବିଷୟରେ ଟିକିଏ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ତେଣୁ ଋଷିମୁନିମାନେ ଯାହା କିଛି କଥା କହିଯାଇଛନ୍ତି ବ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ, ସେଇ ଜିନିଷଟି ଦୁଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କରିକିରି, ଇଏ ଶରୀରଟା କେମିତି ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ଆମର ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି କେମିତି ମିଳିବ। କାହିଁକି ଶରୀର ଯଦି ଭଲ ନ ରହିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଭଜନ କେମିତି କରିବା, ଭଜନ କରିପାରିବାନି। ତେଣୁ ସେ ଦୁଇଟି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସିଏ ସମସ୍ତ କଥା କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ କରିଲେ ୟା ଭିତରେ ଆମର ଶରୀର ପାଇଁ କ'ଣ ଏକାଦଶୀ ଫଳ ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ଉଦାହରଣ ଦେଇକରି କହିଲେ, ଯଦି କୌଣସି ମେସିନ୍କୁ ଆମେମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚଲେଇବା, ସେ ମେସିନ୍ ବେଶୀ ଦିନ ଚାଲିବନି, ସେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଖରାପ ହୋଇଯିବ। କି ଯେହେତୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ବିଶ୍ରାମ ଦେଇକରି ସେ ମେସିନ୍ଟା ଚଲେଇବା, ତାହେଲେ ସେ ମେସିନ୍ଟା ବହୁ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କାମ କରିବ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଶରୀରଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମେସିନ୍। ତେଣୁ ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ଛାଗଲ ଯେଉଁମାନେ ଛେଳି ଯେମିତି ସାରା ଦିନ ସିଏ ଖାଉଛନ୍ତି, ଯଦି ଆମେ ଛେଳିଙ୍କ ଭରି ସାରା ଦିନ ମୁହଁ ଚଲେଇବୁ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଶରୀର ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ତୁମ ଖରାପ ହୋଇଯିବ। ତ ଶରୀର ଖରାପ ହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ଭଜନ କେମିତି କରିବେ। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଶରୀରଟାକୁ 15 ଦିନରେ ଥରେ ଏଇ ଶରୀରଟାକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦିଅ। ଯଦି ବିଶ୍ରାମ ଦେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ସେ ମେସିନ୍ଟା ଭଲ ଭାବରେ ସେ କାମ କରିବ। ତେଣୁ ସିଏ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, 15 ଦିନରେ ଥରେ ଏଇ ଶରୀରଟାକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା ପାଇଁ। ଏଇନେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଆମେ ଏକାଦଶୀ ଦିନ କାହିଁ ଶରୀରଟାକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ତ ଓଷା ପର୍ବାଣୀ ବ୍ରତ ଅଛି, ଏକାଦଶୀ ଦିନ କାହିଁକି ଏ ଶରୀରଟାକୁ ଆମେ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା, ୟା ଭିତରେ କ'ଣ ସାଇନ୍ସ। ତେଣୁ ସାଇନ୍ସ ଦେଇକରି କହିଲେ, ଆମେ ଏଇ ଶରୀର ଭିତରେ 5ଟା ଜିନିଷ ଦେଇକରି ଆମର ଏ ଶରୀରଟି ତିଆରି ହୋଇଛି, ଯେଟା ହେଉଛି କ୍ଷିତି ଜଳ ପାବକ ଗଗନ ସମୀରା ପଞ୍ଚରଚିତ ଇହ ଅଧମ ଶରୀରା। ମାନେ ମାଟି ବାୟୁ ଆକାଶ ଜଳ ଏବଂ ଆକାଶ ଦେଇକରି ଏଇ ଶରୀରଟି ତିଆରି ହୋଇଛି।
किंतु ए जे पांचटा जिनिस दे तयारी हे छि या भितरे सबुठारु को तत्वटि बेसी अछि भले पानी प्राय ए शरीर रे 70-75 पर्यंत ये शरीर रे हमर पानी अछि तनो पानी थिबा फल रे कौन हुए आपण माने देखिथिबे समुद्र रे गोटे जुहार भटा आसे से जुहार भटाटा को समय रे आसे देखिबे एकादशी ठारु पूर्णिमा पर्यंत नैकिरी से पानी जुहार आसे बोले जुहार काहे के आसे माने से चंद्रमाटा ए पृथ्वी को टाणे ये पृथ्वी से चंद्रमा को टाणे किंतु चंद्रमा तो पृथ्वी को टाणी पारिबनि पृथ्वीटा हला बहुत बड़ क्यों तांकर प्रभाव कहाँ पर पड़े तरल वस्तु पर तेणु से पानी उपर तार प्रभावटा पड़ा फल कौन हुए जिते जिते परिमाण में चंद्रमाटा बढ़िया को आरंभ करे सेते सेते परिमाण में सी पृथ्वी को सी आकर्षण करे कि से आकर्षण टी शक्ति कौट उपर पड़े पानी उपर पड़े पानी उपर पड़े एकादशी दिन ठारू नहीं पूर्णिमा पर्यंत समुद्र में बड़ बड़ ढे आसे बड़ बड़ लहरी आसे हैं किंतु तापर देखिबे धीरे 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 से हाँ जो परिमाण रे क्षय हे से परिमाण रे कौन हम धीरे धीरे पानी कमी जाए से भली भाव रे शरीर उपरे से चंद्रमा कर प्रभाव पड़ा फल एकादशी दिन जदि आम मैने अन्न भोजन आदि न करकिरी से दिन केवल फलमूल खाइकिरी बा उपवास रखिकी जदि व्रत करवा ताहले कौन हम ये शरीर उपरे चंद्रमा कर प्रकोप पड़ोनि कहीं प्रकोप पानी उपरे पड़े तेणु एकादशी दिन आम मैंने जब व्रत करवा शरीरटा निरोग शरीरटा सुस्थ रही शरीरटी सुस्थ रही कौन हम महाप्रभु भल आप भलगिरी महाप्रभुकर भजन करें तेणु आमर शास्त्र एकादशी व्रत करने जदि से दिन अन्न भोजन करेंगे से अन्न भितर कहते पांचटी महापाप अच्छी गोहत्या नरहत्या ब्रह्महत्या पितृमाती हत्या पांचटी महापाप अच्छी पाप हेले कौन हम रोग हम रोग हेले कौन करेंगे आप मेडिसिन ग्रहण करेंगे मेडिसिन अर्थ कौन मेड इट सीन क्रोसीन टेरामाइसीन ये औषध नाम गुड़ाक मत देखिए सीन 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 अर्थ है पाप कहीं ये मेडिसिन आम खाऊ ले पाप हेले रोगग्रस्त होचु रोगग्रस्त हेले मेडिसिन टेरामाइसिन क्रोसिन खाऊ ए पापर द्वारा सब जिनिस गुड़ाक तैयार होची तेणु तेणु आम मैने ये मेडिसिन ग्रहण करुचु तेणु आपण मैंने चेष्टा करेंगे एकादशी दिन आपण मैंने एकादशी व्रत निश्चित रूप से जदि आउ कौन सी व्रत आप न करती शास्त्र कह दोष ना कि एकादशी जदि कहीं न करेंगे ताभर दोष अच्छी हैं तेणु अन्न भितर समस्त प्रकार पापटा विद्यमान तेणु आपण मैंने चेष्टा करेंगे एकादशी व्रत रखापी एकादशी व्रत है जगन्नाथ व्रत तांक व्रत रखिले जगन्नाथ संतुष्ट हुए जगन्नाथ संतुष्ट हले 33 कोटी देवता से माने निजे को निजे आपण प्रसन्न हेबे एवं एकादशी व्रतटा होची भक्तिर माँ माँ जे भली संतान को रक्षा करे प्रसव करे एकादशी व्रत करले भक्ति हुए एवं भक्ति द्वारा ही केवल महाप्रभु प्राप्त हेबे आ कौन से ज्ञान कर्म योग द्वारा महाप्रभु को आम संतुष्ट करें तेणु समस्ते एकादशी व्रत रखतु एवं समस्ते सुखरे रहंतु पुणी आम काली ये एकादशी व्रत कौ कौ मान करते एकादशी व्रत करल प्राप्त होती काली आम ए विषय काली आम श्रवण करवा वंछागलभ्य कृपा सिंधु भाई वच पतितानां पावने भो वैष्णवे भो नमो नमः।